नेक्स्ट टॉपिक क्या आपका बूथ मल्टीप्लायर। अगर हम बूथ मल्टीप्लायर की बात करें तो मेन एडवांटेज ऑफ द बूथ मल्टीप्लायर इज व्हाट, आपका ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि बूथ मल्टीप्लायर का मेन एडवांटेज क्या है और बूथ मल्टीप्लायर का मेन मेन पॉइंट क्या है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर योर सेमेस्टर एग्जामिनेशन एंड सेशनल एग्जामिनेशन। तो इफ यू टॉक अबाउट द फर्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग द बूथ मल्टीप्लायर इज व्हाट, द बूथ मल्टीप्लीकेशन एल्गोरिथम डिफाइन द मल्टीप्लीकेशन एल्गोरिथम दैट कैन मल्टीप्लाई टू साइन बाइनरी नंबर इन टू कॉम्प्लीमेंट। ध्यान रखना ये फर्स्ट पॉइंट आपका रिगार्डिंग द बूथ मल्टीप्लायर आपको ऑप्शन में भी दिख जाएगा। बेसिकली बूथ मल्टीप्लीकेशन बूथ मल्टीप्लायर इज यूज फॉर द मल्टीप्लाइंग टू साइन बाइनरी नंबर इन टू कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। ध्यान रखना नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका, दैट इज द एडवांटेज ऑफ द बूथ मल्टीप्लायर। नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका एडवांटेज है किसका, बूथ मल्टीप्लायर का क्या है आपका, बूथ मल्टीप्लायर का मेन एडवांटेज क्या आपका, बूथ एल्गोरिथम कट द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड पार्सल प्रोडक्ट इन हाफ। ध्यान रखना बूथ मल्टीप्लायर क्या करता है, बूथ एल्गोरिथम क्या करती है, ये क्या कर रहा है, नंबर ऑफ पीपीजी जो आपने जनरेट किया है पार्सल प्रोडक्ट उसको कट करके हाफ कर दे रहा है। दैट इज द मेजर एडवांटेज ऑफ द बूथ मल्टीप्लायर कि जिस जो भी आपने पीपीजी जनरेट किया उसको क्या कर रहा है, इसको कट कर दे रहा है हाफ में। ध्यान रखना हाफ में कन्वर्ट कर रहा है, बूथ एल्गोरिथम आपका ये कर रहा है, ठीक है। दैट इज द एडवांटेज ऑफ द बूथ मल्टीप्लायर, ठीक है। ये पॉइंट आप याद रखना जो रेड कलर के लिखा है आपका, बूथ एल्गोरिथम कट द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड पार्सल प्रोडक्ट इन हाफ। ध्यान रखना दैट इज द मेन पॉइंट। नेक्स्ट देखो अगर हाफ में रिड्यूस कर रहा है तो दैट इज द एडवांटेज आपका, उससे क्या फायदा हो रहा है आपका, क्या हो रहा है, उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है। दिस इंक्रीज द स्पीड बाय रिड्यूसिंग द टोटल नंबर ऑफ पार्सल प्रोडक्ट, मीन्स आपने जब पार्सल प्रोडक्ट को रिड्यूस कर दिया, अगर आपने पार्सल प्रोडक्ट को रिड्यूस किया है तो ऑब्वियस ही बात है आपने क्या किया, नंबर ऑफ लॉजिक गेट को क्या कर दिया आपने, रिड्यूस कर दिया। लॉजिक गेट क्या हो गया आपके, रिड्यूस हो गए। अगर लॉजिक गेट रिड्यूस हो गया तो सर्किट के जो एरिया है, एरिया भी क्या होगा आपका, लेस होगा। एरिया लेस होगा तो ऑब्वियस ही बात है नंबर ऑफ कंपोनेंट कम लगेंगे, नंबर ऑफ कंपोनेंट कम लगेगा तो जो आपका पावर कंजम्पशन होगा वो भी क्या होगा आपका, कम लगेगा। ध्यान रखना और स्पीड भी क्या होगी आपकी, इंक्रीज होगी, ये ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे बूथ एल्गोरिथम की बात करें तो इसमें बिट ऑपरेशन होते हैं, ठीक है। तो कुछ कंडीशन है फॉर द बूथ मल्टीप्लीकेशन, तो जो आपके बिट ऑपरेशन होते हैं उसमें क्या क्या, अगर 00 लिखा है तो क्या क्या मतलब होता है उसका, तो 00 मीन्स देर इज नो अर्थमेटिक ऑपरेशन। ध्यान रखना अगर 00 की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा आपका, देर इज नो अर्थमेटिक ऑपरेशन। ध्यान रखना ये कहाँ पे यूज होगा आपका, फ्लो चार्ट में यूज होगा। जो आपने फ्लो चार्ट अभी पढ़ोगे आगे, फ्लो चार्ट इन बूथ मल्टीप्लायर, उसमें आपका ये यूज होगा बिट ऑपरेशन। अगर 00 है राइट तो क्या होगा वहाँ पे, देर इज नो अर्थमेटिक ऑपरेशन, मीन्स कोई भी आपका एडिशन ऑपरेशन नहीं होगा, ना तो सब्ट्रैक्शन होगा, मीन्स कोई भी आपका अर्थमेटिकल ऑपरेशन नहीं होगा इन केस ऑफ द 00, राइट। अगर कंडीशन गिवन है 00 दैट मीन्स देर इज नो अर्थमेटिक ऑपरेशन, ठीक है। और 11 के केस में क्या होगा आपका, वही सेम ऑपरेशन होगा, नो ऑपरेशन होगा, देर इज नो अर्थमेटिक ऑपरेशन इन केस ऑफ द 11। अगर 11 भी गिवन है तब पर भी क्या होगा आपका, देर इज नो अर्थमेटिक ऑपरेशन, मीन्स कोई भी ना तो एडिशन होगा ना तो कोई सब्ट्रैक्शन होगा। ध्यान रखना ठीक है, तो ये दो कंडीशन आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 00 और 11, ठीक है, दोनों में कोई ऑपरेशन नहीं होता है, इसे ध्यान रखना। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या आपके इसमें, अब क्या आपका 01 राइट, इन केस ऑफ द 01 एड द मल्टीप्लिकेशन टू द लेफ्ट हाफ ऑफ द प्रोडक्ट। ध्यान रखना इन केस ऑफ द 01 यू हैव टू एड द मल्टीप्लिकेशन टू द लेफ्ट हाफ ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, ये आपकी थर्ड कंडीशन है। फोर्थ कंडीशन क्या होगी आपकी, 10 केस में सब्ट्रैक्ट द मल्टीप्लिकेशन फ्रॉम द लेफ्ट हाफ ऑफ द प्रोडक्ट। ध्यान रखना सब्ट्रैक्शन होगा, अब ध्यान रखना 01 के केस में क्या होगा आपका, एडिशन होगा, एच ध्यान रखना एडिशन होगा आपका, और 10 के केस में क्या होगा आपका, सब्ट्रैक्शन होगा। ध्यान रखना सब्ट्रैक्शन होगा, मीन्स क्या करोगे आप, सब्ट्रैक्शन कैसे होगा आपका, मीन्स ए माइनस एम करोगे आप, अभी फ्लो चार्ट में आएगा आपका ए माइनस एम करोगे, और डेटा कहाँ पे स्टोर होगा आपका, फाइनली ए में ही स्टोर होगा। अगेन यहाँ पे सॉरी ए प्लस एम होगा आपका, एडिशन की बात करें 01 में, और ए माइनस एम होगा आपका, और डेटा स्टोर कहाँ पे होगा आपका, ए क्या आपका एक रजिस्टर है और एम क्या होगा आपका, क्वेश्चन में गिवन होगा। ध्यान रखना ठीक है, तो ये आपका बिट ऑपरेशन है, ये चारों पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ध्यान रखना कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो यहाँ पे बूथ मल्टीप्लायर की जो फ्लो चार्ट है उसके बारे में और एक न्यूमेरिकल है यहाँ पे, किस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है।
देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन की है ना, और फ्लो चार्ट राइट, तो इसको क्या बोलता हूँ, इसको क्या बोल रहा हूँ मैं, फ्लो चार्ट राइट, फ्लो चार्ट ऑफ द, फ्लो चार्ट ऑफ बूथ मल्टीप्लायर, ध्यान रखना फ्लो चार्ट ऑफ द बूथ मल्टीप्लायर, ठीक है। अब देखो फ्लो चार्ट गिवन आपका, इस फ्लो चार्ट के हर एक पॉइंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी पॉइंट इसमें मेंशन है आपको हर एक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। देन इसी पे आपका एक एग्जांपल गिवन है, एग्जांपल के आपका एग्जांपल में स्टेटमेंट लिख लो आपको, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 7x3 बाई यूजिंग बूथ मल्टीप्लायर, बाई यूजिंग बूथ मल्टीप्लायर, ध्यान रखना यहाँ पे क्या क्वेश्चन गिवन है, यू हैव टू मल्टीप्लाई 7x3 बाय यूजिंग द बूथ मल्टीप्लायर, मीन्स आपको बूथ के अकॉर्डिंग, बूथ एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। डायरेक्ट ऐसा नहीं 7x3 = 21 मत लिख के चले आना आप, इसको क्या करना आपको, बूथ एल्गोरिथम जो फ्लो चार्ट है इसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है, तब जाके आपको 10 मार्क्स मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस अबाउट द फ्लो चार्ट राइट। फ्लो चार्ट क्या आपका, अब देखो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या है, यू हैव टू स्टार्ट द फ्लो चार्ट, यू हैव टू राइट ए स्टार्ट, ठीक है, कोई भी टास्क आप स्टार्ट करते हो राइट, तो बॉक्स में क्या लिखा आपने स्टार्ट, देन ये आपका जो रेक्टेंगल बॉक्स है इसको क्या बोलते हो आप, दैट इज कॉल्ड द इनिशियलाइजेशन बॉक्स, ध्यान रखना इसको बोलते हो आप इनिशियलाइजेशन बॉक्स, इनिशियलाइजेशन बॉक्स, ये बॉक्स क्या आपका इनिशियलाइजेशन बॉक्स है, ध्यान रखना इसको क्या बोल रहे हो आप, इनिशियलाइजेशन बॉक्स बोल रहे हो आप। अब इस बॉक्स में क्या क्या कंटेंट गिवन है इसके बारे में देख लेते हैं, क्या क्या पॉइंट मेंशन है। अब देखो यहाँ पे लिखा है A0 राइट, ए इज वन टाइप ऑफ द रजिस्टर, ध्यान रखना ए क्या आपका, इस बॉक्स की बात करें तो ए इज व्हाट वन टाइप ऑफ द रजिस्टर विच हैव इनिशियल वैल्यू 0, दैट इज द 4-बिट का नंबर आपका, तो ध्यान रखना ए क्या आपका एक रजिस्टर है, ध्यान रखना रजिस्टर का काम क्या होता है आपका, रजिस्टर बेसिकली स्टोर द डेटा राइट, स्टोर करने के लिए यूज होता है आपका, तो ए क्या आपका एक रजिस्टर है डेटा को स्टोर कर रहा, और ए की साइज हमने किया एज्यूम किया कितने बिट का आपका, 4-बिट का, ध्यान रखना ठीक है। तो ये आपका क्या आपका ए है राइट, तो ध्यान रखना ए को लिखने का तरीका यहाँ पे कैसे लिखा गया आपका, ए एरो स्पेस यहाँ पे छूट गया, ध्यान रखना ऐसे, मीन्स इनिशियल वैल्यू ऑफ ए इज व्हाट 0, इनिशियल वैल्यू ए की क्या आपकी 0 है, ये ध्यान रखना। तो आपका फर्स्ट पॉइंट आपने पता चल गया ए क्या है आपका राइट। सेकेंड के देखो यहाँ पे लिखा है आपका Q-1, सेकेंड के आपका लिखा है आपका Q-1, ध्यान रखना Q-1 सफिक्स में ऐसे मत लिख देना आप Q-1, ये गलत हो जाएगा। तो Q-1 क्या सो ऑफ कर रहा है आपका, तो Q-1 इज व्हाट ऑल्सो ए रजिस्टर राइट, Q-1 क्या आपका एक रजिस्टर है विच इज इनिशियल वैल्यू है 0 राइट, मीन्स Q-1 की जो इनिशियल वैल्यू है क्या आपकी 0 है, और ये कितने बिट का आपका 1-बिट का, ध्यान रखना कितने बिट का आपका 1-बिट का, ये हमने जूम कर रखा कितने बिट का आपका 1-बिट का, ध्यान रखना इनिशियल वैल्यू आप Q-1 व्हाट 0 राइट, और ये क्या आपका एक रजिस्टर है, ये क्या आपका एक रजिस्टर है, ये भी क्या आपका एक रजिस्टर है विच इज यूज फॉर द स्टोरिंग द डेटा ठीक है। तो दो पैरामीटर हमने एज्यूम किया है ए और Q-1, ध्यान रखना ये आपने एज्यूम किया, ध्यान रखना। और नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या आपका एम क्या आपका मल्टीप्लिकेंट है, ध्यान रखना एम की वैल्यू क्या आपके, एम इज व्हाट नथिंग बट द मल्टीप्लिकेंट, ये एम क्या आपका मल्टीप्लिकेंट है ठीक है, और आपका क्यू क्या आपका नथिंग बट द मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर ध्यान रखना क्यू क्या आपका एक मल्टीप्लायर है ठीक है। एम और क्यू की वैल्यू क्या होगी आपकी क्वेश्चन में गिवन होगी, जैसे यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन यू हैव टू मल्टीप्लाई 7x3, तो जो आपने 7x3 लिखा है राइट, यू हैव टू मल्टीप्लाई 7x3, तो 7 क्या आपका मल्टीप्लिकेंट है और 3 क्या आपका मल्टीप्लायर है, मीन 7 क्या आपका ये क्या आपका मल्टीप्लिकेंट है और 3 क्या आपका मल्टीप्लायर, ध्यान रखना। तो फर्स्ट वाले नंबर को क्या बोल लो आप मल्टीप्लिकेंट बोल लो उसको बोलो 7, और 3 को क्या बोल लो आप मल्टीप्लायर बोल लो, ध्यान रखना ठीक है। तो आई थिंक फर्स्ट बॉक्स के बारे में आपको क्लियर हो गया कि फर्स्ट बॉक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, फर्स्ट वाले बॉक्स को क्या बोल लो आप इनिशियलाइजेशन बॉक्स बोल रहे हो ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और छोटा है आपका काउंट, काउंट क्या होता है आपका, अगर हम काउंट की बात करें तो काउंट क्या होता है आपका, तो काउंट इक्वल टू क्या होता है आपका, काउंट इज इक्वल टू एन दैट इज द टोटल नंबर ऑफ बिट, टोटल नंबर ऑफ बिट ऑफ द मल्टीप्लिकेंट, जो आपने मल्टीप्लिकेंट की बिट ले रखी है कितने बिट का मल्टीप्लिकेंट है, जैसे यहाँ पे हमने ले रखा है 4-बिट का मल्टीप्लिकेंट है, 7 क्या आपके ना 7 को अगर बाइनरी नंबर की बात करें तो 7 का बाइनरी नंबर क्या होता है आपका
वन वन वन, इन केस ऑफ द 3 बिट, बट हमने कितने बिट का ले रखा है, 4 बिट का, तो 0111। तो 7 कितने बिट का नंबर है, 4 बिट का, तो यही क्या होता है आपका काउंट नंबर होता है, मीन्स टोटल नंबर ऑफ बिट ऑफ द मल्टीप्लिकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन, मीन्स मल्टीप्लिकेशन की कितनी बिट का आपका, तो 4 बिट का है, तो कितने ले रखा आपने, एन की वैल्यू 4 है, ध्यान रखना। और जो आपका मल्टीप्लिकेंड होगा और मल्टीप्लायर होगा, ध्यान रखना दोनों की बिट इक्वल होनी चाहिए, अगर ये आपका 4 बिट का है मल्टीप्लिकेंड, तो मल्टीप्लायर भी क्या होगा आपका 4 बिट का ही होगा, ध्यान रखना, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना कि मल्टीप्लिकेंड और मल्टीप्लायर के जो बिट्स हैं इक्वल होने चाहिए, ठीक है। अब देखो कोई भी क्वेश्चन गिवन होगा आपका, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या है 7x3, तो जो भी क्वेश्चन गिवन है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट द 7 इनटू व्हाट, बाइनरी नंबर, 7 क्या होगा आपका, यू हैव टू कन्वर्ट इनटू बाइनरी नंबर, जो क्या होगा आपका 011। उसी तरह 3 के लिए क्या करोगे आप, यू हैव टू कन्वर्ट द बाइनरी नंबर, तो 0011, क्योंकि हमने दोनों बिट कितने बिट का ले रखा, 4 बिट का, इसी वजह से काउंट की जो वैल्यू होगी कितनी होगी, काउंट इक्वल टू 4 होगा, ध्यान रखना, ठीक है। और दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होने, दोनों के बिट्स इक्वल होने चाहिए, ऐसा नहीं आपने एक को 4 बिट ले रखा और एक का 3 बिट ले रखा, अगर आपने 5 बिट ले रखा है तो आप क्या करोगे, 5 बिट, दोनों का 5 बिट करोगे, 6 बिट ले रखा तो 6 बिट करोगे, ध्यान रखना, ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना। सो आई थिंक फर्स्ट बॉक्स आपको क्लियर हो गया होगा स्टार्ट के बाद, तो फर्स्ट वाला बॉक्स क्या आपका इनिशियलाइजेशन बॉक्स बोलते हो, ध्यान रखना, मीन्स यू हैव टू इनिशियलाइज ऑल द वैल्यू, ऑल द पैरामीटर, राइट, कि जितने भी पैरामीटर आपने ले रखे हैं उन सबको आपने इनिशियलाइज कर दिया, ए क्यू क्यू माइनस वन, ध्यान रखना यहाँ पे जो आपका, यहाँ पे क्यू माइनस वन कर लेना, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है, कम टू द नेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, ये आप नोट कर लेना सारे पॉइंट्स। कम टू द नेक्स्ट बॉक्स, अब नेक्स्ट बॉक्स क्या आपका, आपने इनिशियलाइज कर दिया वैल्यू, स्टार्ट कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया, देन वी गो फॉर द नेक्स्ट बॉक्स, दैट इज कॉल्ड द कंडीशनल बॉक्स, राइट, ये क्या होता है आपका कंडीशनल बॉक्स होता है, मीन्स कोई ना कोई कंडीशन सॉल्व करेगा कि कोई क्या कंडीशन गिवन आपकी, तो कंडीशनल बॉक्स ध्यान रखना है, दिस इज योर फाइनल लोकेशन, ये क्या आपकी लोकेशन है, ठीक है, पहले आपकी लोकेशन कहाँ पे थी आपकी, दिस इज योर करंट लोकेशन, आप कहाँ पे आ गए, आपको नेक्स्ट लोकेशन क्या आपकी कंडीशनल बॉक्स पे आ गए, आप चेक द कंडीशन, अब कंडीशन में क्या क्या गिवन आपका, जो रिडक्ट है ये सेफ है आपका, इसके अंदर क्या क्या गिवन आपका, क्यू गिवन और क्यू माइनस वन, ध्यान रखना क्यू एंड क्यू माइनस वन, अब यहाँ पे क्यू की वैल्यू क्या है आपकी और क्यू माइनस वन की क्या वैल्यू है, चेक करोगे आप, ठीक है, तो यहाँ से चेक करो क्यू की वैल्यू क्या है आपकी, ठीक है, तो देखो ये क्या होगा आपका, ये आपका मल्टीप्लिकेंड है, ये क्या आपका मल्टीप्लायर है, ठीक है, क्यू है, तो क्यू की वैल्यू क्या होगी आपकी, अगर क्यू आपका 3 है, मीन्स क्यू क्या आपका 0011 है, तो इसको क्या बोल रहे हो आप, क्यू नॉट बोल रहे हो, ये क्या आपका क्यू 1 है, ये क्या आपका क्यू 2 है, ये क्या आपका क्यू 3 है, ध्यान रखना, तो क्यू नॉट की वैल्यू क्या होगी आपकी, यहाँ पे 1 होगी, ध्यान रखना। तो फर्स्ट वाले बॉक्स के लिए क्या किया आपने, इनिशियलाइजेशन बॉक्स के लिए आपने ए लिखा, ठीक है, जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो टेबल ड्रॉ करोगे, ए क्यू क्यू माइनस वन एम काउंट, और यहाँ पे रिमार्क लिखोगे आप, ठीक है, ध्यान रखना रिमार्क। अब देखो ए की हमने कितने बिट ले रखा, 4 बिट, तो इनिशियल वैल्यू हमने ए की क्या अज्यूम किया, 4 बिट का नंबर है, इनिशियल वैल्यू कितनी आपकी 0 है, ध्यान रखना ए की इनिशियल वैल्यू 0 है, क्यू की आपका मल्टीप्लायर है जो क्वेश्चन में गिवन होगा, और क्यू माइनस वन इज ऑल्सो ए रजिस्टर विच हैव इनिशियल वैल्यू 0, ठीक है। एम क्या आपका मल्टीप्लिकेंड है, इनिशियल कितनी वैल्यू आपकी क्वेश्चन में गिवन है 7 है, काउंट कितने, टोटल नंबर ऑफ बिट कितना आपका 4 है, और इसको क्या बोल रहे हो आप इनिशियलाइजेशन बॉक्स बोल रहे हो, ध्यान रखना ये टेबल आपको ड्रॉ करना होगा क्वेश्चन में। आप क्या करोगे, जो आपका नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या करोगे, या फिर चेक द कंडीशन क्यू नॉट एंड क्यू माइनस वन, ठीक है, दिस इज योर करेंट लोकेशन, आप करेंट लोकेशन पे आ चुके हो, चेक द वैल्यू ऑफ द क्यू नॉट एंड क्यू माइनस वन इज वॉट, क्यू नॉट की वैल्यू क्या आपकी 1 है, और क्यू माइनस वन की वैल्यू क्या आपकी 0, राइट, यू हैव टू चेक द वैल्यू ऑफ क्यू नॉट एंड क्यू माइनस वन, अब चेक करो वैल्यू यहाँ पे क्यू नॉट और क्यू माइनस वन की वैल्यू क्या आपकी, यहाँ पे वैल्यू क्या आपकी क्यू नॉट इज वॉट 1, और क्या वैल्यू आपकी 0, ध्यान रखना, तो क्यू नॉट की वैल्यू 1 0 1 0 के केस में कहाँ पे मूव करोगे आप, लेफ्ट मूव करोगे, ध्यान रखना, देखो यहाँ पे कंडीशन मेंशन है 1 0 के केस में हैव टू मूव टू लेफ्ट, अब लेफ्ट देखो क्या आपकी कंडीशन गिवन है, लेफ्ट पे आओ तो क्या आपका ए माइनस एम आपको करना है, मीन्स आपको क्या करना है ए माइनस एम, ए माइनस एम,
ए की वैल्यू क्या गिवन आपकी 0000 राइट, एम की वैल्यू क्या गिवन आपकी 0111 ठीक है। अब चेक करो यहाँ पे ए माइनस एम, तो क्या करोगे आप सब्ट्रैक्शन की जगह क्या करोगे आप एडिशन करोगे बट बाइजिंग द टूज कॉम्प्लीमेंट, मीन्स ए माइनस एम को क्या लिखोगे ए प्लस टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम, मीन्स क्या करोगे आप एम का टूज कॉम्प्लीमेंट निकालोगे। तो एम क्या आपका यहाँ पे देखो इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालो तो क्या होगा, पहले फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालो इसका तो 1000 इसमें क्या करो आप 1 ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा टूज कॉम्प्लीमेंट होगा। अब इन दोनों वैल्यू को ऐड कर दो आप इसको और इन दोनों को ऐड कर दो तो रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका 0+0+0+0+1000 यहाँ पे 1 आएगा ध्यान रखना यहाँ पे 1 होगा एक गड़बड़ हो रखा है ये हटा दो आप यहाँ पे क्या आएगा आपको 1001 तो फाइनल रिजल्ट कितना आ जाएगा आपको 1001 आ जाएगा ध्यान रखना ठीक है। तो क्या होगा आपका ई आपका क्या होगा अपडेटेड वैल्यू ऑफ द ए ठीक है ध्यान रखना ए की अपडेटेड वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1001 तो यहाँ पे क्या लिखोगे अपने स्टेप में 1001 आ जाएगा आपको ध्यान रखना ठीक। तो ऑपरेशन क्या किया आपने ए माइनस एम किया मीन्स ए माइनस एम को क्या कर सकते हो आप सब्ट्रैक्शन की जगह आप एडिशन करो बट बाय यूजिंग द टूज कॉम्प्लीमेंट क्या करो आप एडिशन का फॉर्मूला यूज करो ए प्लस टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम। अब आपको पता होगा टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है पहले यू हैव टू टेक द फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वन देन यू हैव टू ऐड वन ध्यान रखना पहले एम का क्या करोगे फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालोगे उसमें 1 ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा आपका पहले फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालो तो ये आ जाएगा 1 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा आपका ये आ जाएगा। अब यही नंबर आपको क्या करो ए के साथ ऐड कर दो तो आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा ए और ए मीन्स ए की जो अपडेटेड वैल्यू होगी यहाँ पे ए में स्टोर होगी तो ए की जो अपडेटेड वैल्यू हो क्या हो जाएगी आपकी 1001 ठीक है। आई थिंक यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो सेकेंड स्टेप की सेकेंड जो कॉलम सेकेंड रो है आई थिंक सेकेंड रो की वैल्यू आपको पता चल गई होगी क्या क्या आएगी 1001 आ जाएगा आपका। देखो सेकेंड की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1001 ये कैसे आया आपने क्या किया ए माइनस एम किया ध्यान रखना यहाँ पे ऐसे एरो लगा लेना है यार यहाँ पे एरो छोटा का काउंट इक्वल टू सेम है आप टेबल को अपडेट कर लेना ठीक है ध्यान रखना। अब तो नेक्स्ट स्टेप में देखो 1001 कहाँ से आया आपने क्या किया यहाँ पे ए माइनस एम किया ठीक है इसकी जगह क्या किया आपने ए प्लस टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम कर दिया ठीक है। बाकी देखो आपका रिमेनिंग सेम होगा 011 क्यू की वैल्यू ये भी सेम होगा। देखो यहाँ पे कोई काउंट की वैल्यू नहीं चेंज किया आपने क्योंकि जो काउंट की वैल्यू नेक्स्ट स्टेप में आ रही है तो अभी आपकी लोकेशन करंट कहाँ पे यहाँ पे आप लोकेशन है लोकेशन आपकी है तो काउंट की वैल्यू कोई चेंज नहीं किया तो क्या लिखोगे आप कौन सा ऑपरेशन किया ए माइनस सेम किया और कहाँ पे वैल्यू स्टोर है आपकी ए में स्टोर है तो ए की अपडेटेड वैल्यू क्या होगी आपकी 1001 होगी। कम टू द थर्ड स्टेप अब आपकी लोकेशन कहाँ पे मूव करोगे आप थर्ड स्टेप पे और नेक्स्ट स्टेप पे अब क्या करना आपको अर्थमेटिक शिफ्ट राइट और क्या क्या करना ए क्यू क्यू माइनस वन तीन चीज चार ए क्यू एंड क्यू माइनस वन को चेंज करना है राइट। तो आप चेंज करो देखो क्या क्या आएगा आपको मीन्स आपको चेंज क्या करना है ए को चेंज करना है क्यू को चेंज करना और क्यू माइनस वन को चेंज करना ठीक है ध्यान रखना। अब देखो जब भी चेंज करोगे तो जो भी आपके एम एस बी बिट है जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 1001 तो जो भी आपके एम एस बी बिट है ठीक है उसको क्या करोगे आप एज इट इज रखोगे मीन्स यहाँ पे 1 लिख दोगे बाकी रिमेनिंग को चेंज करोगे ठीक है बाकी रिमेनिंग को चेंज करोगे मीन्स ये 1 कहाँ पे मूव होगा आपका सेकेंड वाली बिट पे आएगा एज इट इज होगा ये 0 यहाँ पे आएगा आपका जिस 0 आपका यहाँ पे आएगा बाकी ये नेक्स्ट वाले कॉलम में मूव हो जाएगा ध्यान रखना मीन्स जो आपकी एम एस बी बिट होगी एज इट इज होगी सेम एज इट इज रखोगे जो भी आपकी एम एस बी बिट हो फिर अगेन उसको शिफ्ट करोगे ध्यान रखना तो मीन्स एम एस बी वाली बिट को 2 बार चेंज करना है पहले तो एज इट इज रखना आपको उसके बाद चेंज करना आपको ध्यान रखना। तो टेबल में देखो आपने क्या लिखा ए को वैल्यू 1 रखी आपने अगेन ए को शिफ्ट किया यहाँ पे 1 को शिफ्ट किया आपने अगेन 0 को शिफ्ट किया 0 यहाँ पे शिफ्ट होके आ रहा है अगेन ये 1 कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है आपका यहाँ पे आ जा रहा है सेकेंड वाले कॉलम में फिर 0 0 1 यहाँ पे आ गया आपका ये 1 कहाँ पे चला गया आपका नेक्स्ट वाले कॉलम में क्यू माइनस 1 कॉलम में। बाकी हमें तीसरे कॉलम के बाद कोई चेंज नहीं करना था यहाँ पे क्रॉस लगा है इधर आगे चेंज नहीं करना ध्यान रखना ठीक मीन्स हमें केवल इन तीनों बॉक्स के कॉलम को चेंज करना है। अब देखो आपने शिफ्ट कर लिया अर्थमेटिक शिफ्ट राइट आपकी लोकेशन ये थी। अब इसमें एक और चीज़ गिवन है काउंट इक्वल टू काउंट माइनस वन मीन्स यू हैव टू डिक्रीज द काउंट वैल्यू मीन्स आपकी जो काउंट प्रीवियस थी उसके बाद यू हैव टू डिक्रीज काउंट वैल्यू तो काउंट की जो भी वैल्यू क्या करोगे आप 4 के बाद देखो 4 तो काउंट क्या लिखा है आपका काउंट इक्वल टू काउंट माइनस वन तो पहले कितनी थी काउंट की वैल्यू कितनी थी 4 थी ये देखो 4
आपका है, देन यू हैव टू राइट द काउंट माइनस वन। तो क्या करोगे, फोर माइनस वन कितना हो जाएगा थ्री, तो आपकी काउंट की वैल्यू कितनी होगी थ्री। और ऑपरेशन क्या किया, अर्थमेटिक शिफ्ट राइट, ध्यान रखना। अब मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, अब क्या करोगे, यू हैव टू चेक द काउंट वैल्यू जीरो नॉट। अब काउंट की वैल्यू चेक करो फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग, यू हैव टू चेक द काउंट वैल्यू जीरो नॉट। अब थ्री जीरो को नॉट, अगर यहाँ पे काउंट इक्वल टू थ्री आ गया, थ्री इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो दैट मीन्स क्या करोगे आप, आपका प्रोसेस एंड नहीं होगा, ध्यान रखना। आपका प्रोसेस क्या होगा, बैक जाओगे आप, नो नो है तो मीन्स बैक जाओगे, गो बैक अगेन टू द कंडीशनल बॉक्स, राइट। आप क्या करोगे, बैक जाओगे कंडीशनल बॉक्स पे, ठीक है। अब अगेन यू हैव टू चेक द कंडीशन, अगर आपकी काउंट की वैल्यू बाय डिफॉल्ट मान लो जीरो हो जाती तो क्या करते हो आप, वहीं पे आपका प्रोसेस एंड हो जाएगा, अदरवाइज अगेन बार बार रिपीट होते रहेगा प्रोसेस आपका, जब तक कि काउंट की वैल्यू जीरो ना हो जाए। अगेन यू हैव टू चेक द वैल्यू ऑफ क्यू नॉट एंड क्यू माइनस वन। अब चेक करो अगेन, अब देखो क्यू नॉट की वैल्यू क्या है, क्यू नॉट एंड क्यू माइनस वन की वैल्यू चेक करो अगेन। अब देखो यहाँ पे क्यू नॉट की वैल्यू क्या आपकी वन वन, अब यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है वन 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 पे, देखो कंडीशन कहाँ पे आपकी लाई कर रही है, तो वन वन देखो यहाँ पे आपका है। अब वन वन के केस में देर इज नो अर्थमेटिक ऑपरेशन, यू हैव टू राइट द डायरेक्ट शिफ्ट ऑपरेशन होगा, तो वन वन के केस में क्या करोगे आप, डायरेक्ट शिफ्ट करोगे, ठीक है। तो देखो वन वन के केस में क्या होगा, आपका डायरेक्ट शिफ्ट होगा, तो ये वाली वन आपका एज इट इज होगा, ये वन यहाँ पे आ जाएगा आपका, ये वन क्या होगा आपका यहाँ पे मूव होगा, ये जीरो यहाँ पे आएगा आपका, ये जीरो आपका यहाँ पे आ जाएगा, बाकी ये वन यहाँ पे आएगा आपका जीरो जीरो, ये वन आपका यहाँ पे आ जाएगा, बाकी ये इधर नहीं मूव होगा, ध्यान रखना। तो ये क्या हो जाएगा आपका फोर्थ स्टेप हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे काउंट की वैल्यू डिक्रीज करो, थ्री के बाद क्या आ जाएगा आपका टू आ जाएगा, और कौन सा ऑपरेशन किया आपने, अर्थमेटिक शिफ्ट, ध्यान रखना। तो ये आपका फोर्थ स्टेप होगा, देखो यहाँ पे, ठीक है। देखो फोर्थ स्टेप में क्या किया आपने, चेक द फोर्थ रोज, फोर्थ वाली रोज चेक करो आप, तीन तो आपने कर लिया, फर्स्ट ये हो चुका था, फोर्थ में क्या करना आपको, अर्थमेटिक शिफ्ट राइट, वन वन कंडीशन आया आपका, इस फोर्थ वाले केस में क्या चेक किया आपने, थर्ड वाले केस में वन वन चेक किया, तो क्या किया, डायरेक्ट अर्थमेटिक शिफ्ट किया आपने। अब चेक करो यहाँ पे वन वन के केस में क्या होगा आपका, डायरेक्ट शिफ्ट होगा, तो देखो वन एज इट इज होगा आपका, ये वन यहाँ पे आ गया, ये वन यहाँ पे आ गया, ये जीरो आपका यहाँ पे आ गया, ये जीरो यहाँ पे मूव हुआ, ये वन जीरो जीरो अगेन, ये वन यहाँ पे आ गया, बाकी इसको चेंज नहीं करना है, ठीक है। और क्या करना आपको, काउंट इक्वल टू काउंट माइनस वन करना है, मीन्स पहले काउंट की वैल्यू थ्री थी, अब क्या होगा माइनस वन करोगे तो टू हो जाएगा, ऑपरेशन क्या हुआ, अर्थमेटिक शिफ्ट राइट, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट स्टेप, आप क्या चेक करोगे आप, अगेन यू हैव टू चेक द काउंट वैल्यू, काउंट की वैल्यू कितनी आ गई आपकी टू आ गई, तो काउंट इक्वल टू टू वहाँ पे आ गया, टू इज नॉट इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स अगेन ये आपका प्रोसेस एंड नहीं होगा, अगेन विल गो बैक, ठीक। अगेन यू हैव टू चेक द कंडीशन, अब अगेन चेक करो कंडीशन क्या आ गया आपकी, आपका फोर्थ स्टेप हो गया राइट, मीन्स फोर्थ तक आप आ चुके हो। अगेन चेक करो आप कंडीशन क्या आ रही है आपकी, अब देखो अगेन चेक किया कंडीशन जीरो वन राइट, क्यू नॉट एन क्यू माइनस वन, अगेन यू चेक द कंडीशन क्यू नॉट एन क्यू माइनस वन, तो क्यू नॉट की वैल्यू क्या है आपकी, जीरो है और वन है, तो जीरो और वन के केस में कहाँ पे मूव करोगे, यू हैव टू मूव द राइट, आप कहाँ पे मूव करोगे, देखो यहाँ पे कंडीशन के जीरो वन के केस में क्या करोगे आप, राइट मूव करोगे। अब राइट वाले केस में चेक करो क्या आ रहा है आपका, क्योंकि क्यू नॉट की वैल्यू ये है आपकी और क्यू माइनस वन आपका ये है, इन दोनों वैल्यू को चेक किया, उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू मूव टू द राइट। अब क्या करोगे आप, राइट मूव करो और चेक करो ऑपरेशन क्या करना आपको, ए प्लस एम करना है, राइट में क्या करना है आपको, ए प्लस एम करना है, मीन्स आपकी करेंट लोकेशन कहाँ पे होगी आपकी, ये करना है, ये ऑपरेशन आपको करना है ए प्लस एम। अब ए प्लस एम देखो क्या है आपको, ए की वैल्यू क्या है, इनिशियल वैल्यू देखो यहाँ पे, ए की यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, वन वन जीरो वन, मीन्स आपको क्या करना है, ए ए प्लस एम करके आपकी जो अपडेटेड वैल्यू ए की अपडेट करनी है, तो ए की वैल्यू कितनी है आपकी, वन वन जीरो राइट, प्लस एम की वैल्यू क्या है आपकी, जीरो वन वन वन, ध्यान रखना एम की वैल्यू ले लिया हमने और ए की वैल्यू ले ली, इन दोनों को क्या करना है आपको, ऐड करना है, ऐड करो और चेक करो वैल्यू क्या आ रही है आपकी फाइनल वैल्यू, तो ध्यान रखो इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा आपका, ऐसे ऊपर नीचे लिख लो बेटर रहेगा, कन्फ्यूजन हो रहा हो तो, एक काम करो इस वाले वैल्यू की यहाँ नीचे लिख लो, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, जीरो वन वन वन, इन दोनों को ऐड करो तो क्या आएगा आपका, जीरो प्लस वन वन आ जाएगा, वन प्लस वन जीरो, कैरी क्या होगा आपका वन आएगा, वन प्लस वन जीरो, कैरी क्या होगा आपका वन होगा, जीरो प्लस वन वन आ जाएगा, वन प्लस वन सम इज जीरो और कैरी क्या होगा आपका वन आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो ध्यान रखना इसमें क्या करना है आपको, कैरी को क्या करना है,
कैरी को डिस्कार्ड करना, कैरी को रिमूव कर देना, जो आपकी कैरी आ रही है इसको डिस्कार्ड करना, तो फाइनल क्या बच्चा आपका 0101 बच्चा, तो वही आपने यहाँ पे लिख दिया 0101 लिया था ना। यहाँ पे एक पॉइंट क्या था आपका, जो भी कैरी जनरेट होगी उसको क्या करना आपको रिमूव कर देना है, कैरी को काउंट नहीं करना, कैरी को डिस्कार्ड कर देना, क्योंकि आपने 4 बिट का नंबर ले रखा था, तो कैरी को क्या करोगे आप डिस्कार्ड करोगे ध्यान रखना। बाकी प्रोसेस आपका सेम होगा, आपने क्या किया उसके बाद, यू हैव टू मूव टू द, ठीक है, आपने क्या किया एडिशन कर दिया, ठीक है, एडिशन के बाद क्या करोगे आप 011 आपका सेम होगा क्योंकि क्यू की वैल्यू आपने यहाँ पे अपडेटेड ली है, फिर आपका क्यूमानेशन की वैल्यू क्या आपकी 1 है, अगेन एम की वैल्यू आपकी एजिटेज होगी, बट आपने ऑपरेशन क्या किया ए प्लस एम, ठीक है, तो ए प्लस एम आपने यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अभी काउंट की वैल्यू डिक्रीज नहीं करो क्योंकि लोकेशन आपकी कहाँ पे, आपकी एडिशन पे है। कम टू द नेक्स्ट स्टेप, आप कहाँ पे करोगे, आप ए प्लस एम करने के बाद आप मूव टू द अर्थमेटिक शिफ्ट राइट, आप क्या करोगे आप अर्थमेटिक शिफ्ट राइट करोगे, तो चेक करो आप अर्थमेटिक शिफ्ट राइट करोगे यहाँ से आने के बाद, तो देखो यहाँ पे क्या किया आपने, यहाँ भी थी आपकी करेंट लोकेशन, ठीक है, अब आप करो अर्थमेटिक शिफ्ट राइट, जो आपकी एम एस बी बिट होगी एज इट इज होगी, अगेन यू हैव टू मूव 0, ठीक है, 101 आपका नेक्स्ट वाले कॉलम में मूव हो जाएगा, 010 ये 0 आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये आपने 3 मूव कर लिया, इसको मूव नहीं करना ध्यान रखना, इसको मूव नहीं करना क्योंकि हमें क्या चेंज करना था, ए क्यू क्यू माइनस 1 की वैल्यू को अपडेट करनी थी, अर्थमेटिक शिफ्ट राइट करना था, देन यू हैव टू काउंट काउंट द वैल्यू राइट, काउंट इक्वल टू काउंट माइनस 1 करो, तो पहले काउंट कितना था आपका 2 था, तो काउंट माइनस 1 करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, और ऑपरेशन क्या किया आपने अर्थमेटिक शिफ्ट राइट, ठीक है, अगेन यू हैव टू चेक, देन वी गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे आओगे आपकी, अब यहाँ पे आओ इसके बाद चेक करो दो कंडीशन इज वॉट, मीन्स काउंट इक्वल टू क्या आपका 1 हो रहा है, विच इज नॉट इक्वल टू 0, मीन्स प्रोसेस क्या होगा, अगेन आपका एंड नहीं होगा, विल गो बैक टू द कंडीशनल बॉक्स, अगेन आप कंडीशनल बॉक्स पे आओगे एंड चेक द कंडीशन, ठीक है, ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक आपकी काउंट की वैल्यू 0 ना हो जाए, इस चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, अगेन आप चेक करो यहाँ पे काउंट की वैल्यू क्या आएगी, सॉरी काउंट आपका 0 नहीं है तो क्या करोगे आप कंडीशनल बॉक्स पे मूव करोगे एंड चेक द कंडीशन, मीन्स यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, देखो लास्ट वाली बिट क्या आपकी क्यू नॉट एंड क्यू माइनस 1 की वैल्यू क्या है आपकी, दिस इज योर क्यू नॉट, दिस इज योर क्यू माइनस 1, चेक द वैल्यू इज वॉट 0 0 राइट, इन केस ऑफ द 0 0 देर इज नो अर्थमेटिक ऑपरेशन, आप डायरेक्ट मूव करोगे, देखो यहाँ पे कंडीशन 0 0 लिखी है, आप क्या करोगे डायरेक्ट मूव करोगे, ठीक है, अब डायरेक्ट चेक करो क्या वैल्यू आएगी आपकी, ठीक, अब क्या करोगे आप अर्थमेटिक शिफ्ट राइट करोगे, क्योंकि आपको कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन नहीं करना, ना तो एडिशन करना ना सब्ट्रैक्शन करना, डायरेक्ट शिफ्ट करना है, तो क्या करो आप शिफ्ट करो 0 एज इट इज होगा, अगेन 0 आपका यहाँ मूव होगा, ये 0 यहाँ पे आ गया, ये 1 यहाँ पे आ गया, ये 0 यहाँ पे आ गया, ये 1 यहाँ पे, 0 यहाँ पे, ये 1 यहाँ पे, 0 आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है, ठीक, ये आपको 0 मूव नहीं करना क्योंकि हमें तीनों बॉक्स को क्या करना, तीनों कॉलम को मूव करना था, ए क्यू क्यू माइनस 1 ध्यान रखना, केवल शिफ्ट किसको करना आपको ए क्यू एंड क्यू माइनस 1 सफिक्स में ध्यान रखना, माइनस 1 मत करना, ऐसे मत लिख देना गलत हो जाएगा आपका, ठीक, इन्हीं तीनों को चेंज करना था, अगेन यू चेक द काउंट वैल्यू, काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ये एज इट इज लिखोगे आप, काउंट की वैल्यू क्या होगी, पहले कितनी थी आपकी 1 थी, तो काउंट इक्वल टू काउंट माइनस 1, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा ध्यान रखना, तो यहाँ पे काउंट की वैल्यू क्या हो रही है आपकी 0 हो रही है, तो देखो यहाँ पे काउंट की वैल्यू क्या हो रही है आपकी, काउंट इक्वल टू 0 मीन्स यहाँ पे करेक्ट हो गया आपका, एस मीन्स करेक्ट मीन्स प्रोसेस क्या हो जाएगा आपका एंड हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद कोई स्टेप आपको फॉलो नहीं करना है, और ऑपरेशन क्या किया आपने अर्थमेटिक शिफ्ट राइट किया, और काउंट की वैल्यू आपकी 0 हो गई, मीन्स यहीं पे प्रोसेस आपका एंड हो जाएगा, एल्गोरिथम आपकी यहीं पे एंड हो जाएगी, ठीक है, अब क्या करोगे अब टू चेक द आंसर कि जो आपने 7x3 ले रखा था उसका फाइनल आंसर क्या आएगा, ठीक है, अब चेक करो उसका फाइनल आंसर क्या आएगा आपका, ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्या था, यू हैव टू मल्टीप्लाई 7x3, तो 7x3 इक्वल टू क्या होता है आपका 21 होता है, तो ध्यान रखना जो भी आपका ए और क्यू आपका है यही क्या होता है आपका आंसर होता है, तो ए और क्यू की वैल्यू देखो क्या होगा आपका, ये आंसर है, ठीक है, तो देखो फाइनल आंसर क्या आ रहा है आपका ए क्यू, और ए की वैल्यू क्या आपकी, ए क्यू क्या आपका फाइनल आंसर, तो ए क्यू, तो देखो ए की वैल्यू क्या 0 0 0 1 अगेन 0 1 0 1, ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसको काउंट करो, इसका डेसिमल निकालो कितना आएगा आपका 1 2 4 8, इसकी डेसिमल वैल्यू बताओ क्या आ जाएगी आपकी, ये क्या आपका 1 है, ये क्या आपका 2 है, ये 4 है, ये 8 है, ये 16 है,
32 एंड सो वन, ठीक है। इसको ऐड कर लो, वन कहाँ कहाँ पे आपका, इन तीनों को ऐड करो तो 16 प्लस 4 प्लस 1 कितनी वैल्यू आ रही है आपकी, ये किसका 21। ध्यान अपना, जिस बाइनरी वैल्यू की वैल्यू कितनी आ रही है 21, विच इज़ करेक्ट, जो आपने मल्टीप्लिकेशन किया था 7 x 3 = 21, दैट इज योर फाइनल आंसर। तो यही क्या होगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना यही क्या होगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब जाके आपका प्रोसेस एंड हो रहा है, ध्यान रखना ये क्या था आपका बूथ एल्गोरिथम, ध्यान रखना। तो जब भी आपका बूथ एल्गोरिथम से क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ द फ्लो चार्ट, तभी जाके आपको मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेगा। तो कोई भी बूथ एल्गोरिथम से क्वेश्चन आए या मल्टीप्लायर से क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना आपको बूथ एल्गोरिथम के बारे में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगर थ्योरी क्वेश्चन भी आ रहा है तो आपको एक एग्जांपल अपने तरफ से लेना पड़ेगा, ध्यान रखना। तो यहाँ पे 7 की जगह -7 भी हो सकता है, ध्यान रखना, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी होता है, मीन्स कोई भी साइन नंबर हो सकता है, या तो पॉजिटिव हो सकता है तो नेगेटिव हो सकता है, तो इस ध्यान रखना। बट अगर थ्योरी क्वेश्चन आ रहा है तो क्या करोगे आप, फर्स्ट ऑफ ऑल हैव टू ड्रॉ द फ्लो चार्ट, देन हैव टू एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल, ठीक है। या अगर न्यूमेरिकल आ रहा है तो न्यूमेरिकल में यू टू ड्रॉ द फ्लो चार्ट, कोई भी न्यूमेरिकल आ रहा है, अगर क्वेश्चन में मेंशन भी नहीं है तब पर भी क्या करना है, यू टू ड्रॉ द फ्लो चार्ट ऑफ द बूथ मल्टीप्लायर, ध्यान रखना। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर योर सेमेस्टर एंड सेशनल एग्जामिनेशन, ठीक है। उसके बाद आपका क्या IEEE स्टैंडर्ड फॉर द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका यही होगा, ठीक, ठीक है। ये था आपका कंप्लीट नॉलेज अबाउट द बूथ मल्टीप्लायर, ध्यान रखना।